हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर है फ्रेंड्स, ग्रुप थ्योरी पार्ट टू। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम कहां तक पढ़ चुके थे? हमने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ ली थी, एक्सेस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आपका इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो फ्रेंड्स, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि आपका रोटेशन होता है प्लस परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, या रोटो रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एन जो इसको डिनोट करते हैं एस एन से। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 3, 4, 5, 6 सो ऑन। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं 90 डिग्री का आपका रोटेशन करना चाहता हूं, तो फ्रेंड्स इसके लिए एन मैंने फॉर्मूला बताया था, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल्स टू 360 बाई एन। तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मैं 90 डिग्री का रोटेशन, तो एन इक्वल्स टू 90 रखूंगा, तो ये यहां पर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4। इसका मतलब इसमें किसी में मतलब S4 है। तो फ्रेंड्स S4 किसमें होती है, टेट्राहेड्रल कोई कंपाउंड होता है, जैसे S आपका CH4 है, तो उसमें क्या होती है फ्रेंड्स, S4 सिमेट्री होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या करा मैंने, टेट्राहेड्रल आप जानते हो कि अगर कोई भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड जैसे CH4 मॉलिक्यूल मैंने लिया है, तो अगर मैं उसको क्यूब में रखता हूं, अगर मैं उसको क्यूब में कंसिडर करता हूँ, CH4 मॉलिक्यूल है, तो वो क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स पे एग्जिस्ट करता है, मतलब अल्टरनेट कॉर्नर्स पे आता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, लेट अस कंसिडर एन क्यूब। अब मैंने एक क्यूब कंसिडर किया है, तो यहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसका क्या होगा फ्रेंड्स, ये अल्टरनेट कॉर्नर्स जो आप ऊपर वाले एक इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, ये एक कॉर्नर छोड़ेगा, और ये ऐसे क्या होगा, ये वाला कॉर्नर छोड़कर इस पर और इस कॉर्नर छोड़कर और इसके अल्टरनेट कॉर्नर्स पे ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होता है फ्रेंड्स, अब इस पर करना है 90 डिग्री, तो क्या होता है SN, क्या होता है कि आपका रोटेशन प्लस परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। तो 90 डिग्री S4 का मतलब हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो अभी क्या करना है, इसको 90 डिग्री, ये ऐसे मैंने एक्सिस डाली और मैंने 90 डिग्री का घुमा दिया। ओके फ्रेंड्स, मैंने ऐसे घुमाया है, यानी इसको ऐसे घुमाया है, तो फ्रेंड्स 1 कहां पे आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, और 2 इधर चले जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 यहां पर आ जाएगा, और 4 आपका पीछे चले जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने दिखाया है, तो ये क्या हो गया 3, 4, और इसमें जो मैंने हाइड्रोजन को मैंने नेमिंग कर दिया है 1, 1, 2 और 3, 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट में क्या है कि आपका एक तो रोटेशन करना है प्लस परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, तो मैंने ऐसे डाली है, मतलब एक्सिस मैंने ऐसे डाली है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन हुआ, ये वाला प्लेन हुआ, तो मैंने इस प्लेन, ये वाला प्लेन लगा दिया। तो फ्रेंड्स क्या होगा, अगर मैं इस प्लेन को लगाऊंगा यहां से, तब क्या होगा फ्रेंड्स, जो मेरा थर्ड ग्रुप है, यानी ये ऐसे मैंने लगाया, तो थर्ड ग्रुप यहां पर इस कॉर्नर पे आ जाएगा, और फोर्थ ग्रुप किस में आ जाएगा, इस कॉर्नर में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला मैंने प्लेन लगाया, तो ये 3 इधर और 4 इधर, तो फ्रेंड्स और इसमें क्या होगा, अब जो ये वाला प्लेन लगाया, ये 1 मेरा थर्ड कोई आपका किस पे आ जाएगा, 1 मेरा इधर चलेगा इस वाले कॉर्नर पे, और 2 मेरा कहां पे आ जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर आ जाएगा, ये वाले प्लेन में, इस वाले पर। तो ये मेरा ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड, तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट और थर्ड आपके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका कोई भी आपका सिमेट्री है, तो उसमें इक्विवेलेंट अगर स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। तो इसको क्या हो गया फ्रेंड्स, ये टोटल मिलाकर, ये वाला कुछ नहीं हुआ फ्रेंड्स, इन दोनों को मिलाकर ये टोटल मिलाकर हो गया हमारा आपका इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और इसमें क्या हो गया फ्रेंड्स, CH4 मॉलिक्यूल में S4 आपकी इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है, अब एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर SN है किसी में और N इक्वल्स टू ओड है, तो इसमें पक्की बात है उसमें CN होगी ही होगी, बट अगर N इवन है, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसमें CN होगी या नहीं, बट इतना कंफर्म है अगर SN में, अगर N इक्वल्स टू ओड है, तो ऑलवेज मतलब ट्रू है कि उसमें CN होगी ही होगी। जैसे आपका S5 हो गया किसी में, तो क्या हो गया, उसमें CN होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑड में सेम CN होती है, बस ये बात ध्यान रखा है, अगर S5 है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसमें C5 होगी ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां पर देखते हैं हम कुछ प्लेन के ऑपरेशंस कंसीडर, कुछ प्लेन के ऑपरेशंस इसको आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या होगा फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन प्लेन, प्लेन क्या है, कोई भी प्लेन है तो उसका एक ही ऑपरेशन होगा, क्योंकि वो खुद एक इंडिविजुअल एंटिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन प्लेन में 1 ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन इन SN, अब SN में ध्यान रखने वाली बात है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन इन SN, अब N, अब यहां पर N फर्क पड़ेगा कि अगर N ऑड हुआ तो या इवन हुआ, अगर N ऑड है तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, N माइनस 1 करेंगे, जैसे हम CN में करते थे कि नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 माइनस कर देते टोटल में से। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर N इवन हुआ
SN में अगर n इवन है तो n by 2 करेंगे, ये टोटल n में से डिवाइड by 2 करके हम ऑपरेशंस निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक्सिस का क्या होता है फ्रेंड्स, अगर जैसे CN का मैंने बताया था तो उसमें ऑपरेशन क्या हो जाएगा n minus 1, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे CN, ठीक। तो ये हो गया, जैसे एग्जांपल लिया मैंने S4, S4 में कितना हो जाएंगे 4 by 2 क्योंकि n इवन है तो 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर S3 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, n minus 1, ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 minus 1 equals to 2 हो जाएगा, 2 ऑपरेशंस होंगे S3 में, ठीक है फ्रेंड्स। हमने आपका अब कितना पढ़ लिया, हमने इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ ली फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अगला सिमेट्री एलिमेंट्स आता है इन्वर्जन सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स। इन्वर्जन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं और इसका दूसरा नेम है S2, इसको S2 भी बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो S2 का मतलब हो गया, जब आई को S2 से डिनोट करते हैं तो S2 का मतलब फिर इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बड़े ध्यान वाला टर्म है फ्रेंड्स की S2। अब S2 क्या हो गया, इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो क्या होगा इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशन प्लस परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होगा, रोटेशन होगा, इसका मतलब S2 का मतलब हो गया कि कोई भी मॉलिक्यूल है पहले उसको रोटेट करना है 180 डिग्री पर, फिर उसके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन करना है, तब जाके आपका इन्वर्जन होगा। तो इन्वर्जन देख लेते हैं, इमेजिनरी पॉइंट होता है, इमेजिनरी पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल विच कैन इन्वर्ट, विद इन द मॉलिक्यूल विच कैन इन्वर्ट ऑल द एटम्स टू क्रिएट इक्विवेलेंट ए ऑरिएंटेशन, बस का इक्विवेलेंट ऑरिएंटेशन मिलनी चाहिए हमें, उसको क्या कहते हैं इन्वर्जन सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे मैंने ये कंसिडर करा है आपका मैंने इथाइल का मैंने सब्सटीट्यूएंट लिया है एक जगह Cl Br Cl1, मैं इसको यहां पर दिखाता हूं आपको, अच्छे से बता देता हूं फ्रेंड्स मैं आपको ये वाला एग्जांपल। तो फ्रेंड्स मैंने ये इस टाइप से ये लिया है फ्रेंड्स, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये H1 आपका Cl1 Br1 हो गया फ्रेंड्स, और Br2 और आपका Cl2 और H2, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है, पहले 180 डिग्री है, S2 है ना, तो 180 डिग्री का रोटेशन। इसमें मैंने फ्रेंड्स क्या करा, यहां से एक्सिस डालूंगा मैं, यहां से 180 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 180 डिग्री का घूमने का मतलब ये दोनों वाले ऊपर आ जाएंगे और ये हाइड्रोजन नीचे चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ये इधर हो गया, तो ये क्या हो गए, ये दो इधर हो गए। अब मैंने क्लोरीन और ब्रोमीन और हाइड्रोजन को डिफरेंशिएट करने के लिए 1-2-1-2 लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा, H1 नीचे आ जाएगा आपका, ये Cl1 इधर आ जाएगा, ये Br1 इधर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये H2 यहां पर आ जाएगा, Br2 और आपका Cl2। अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये मैंने एक्सेस यहां से डाल ली, तो इसके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, परपेंडिकुलर प्लेन यहां से डालना है, तो ये ऐसे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स अगले वाले स्टेप में, अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये इधर आ जाएगा और ये चीज इधर चली जाएगी, तो रहेगा ये ऐसी, ये ठीक है फ्रेंड्स। तो ये H2 इधर आ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, Br2 इधर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, Cl2 इधर हो जाएगा, और क्या होगा, ये इधर आया तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट, तो फ्रेंड्स ये इधर घुमा ना, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये इधर आ जाएगा H2 Br2 और यहां पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ये इधर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये इधर ये ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, Cl1 Br1, ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये H1। तो फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं कि क्या हुआ, कि आपका एक तो हमने रोटेशन करा 180 डिग्री का और फिर परपेंडिकुलर प्लेन डाला, तो जो मेरे ये वाले मॉलिक्यूल मतलब ये पूरे इधर आ गए और ये इधर आ गए, तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गए। आपका H1 Cl1 Br1 की जगह मेरा H2 Br2 Cl2 आ गए, कहने का मतलब है आपका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आए, नॉट आइडेंटिकल। तो अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं तो वहां पर एलिमेंट में सिमेट्री होती है, तो यहां पर क्या हो गया, इन्वर्जन सेंटर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा फोर्थ आइडेंटिटी, हमने कर दी कि इन्वर्जन सेंटर हमने देख लिया। अब फिफ्थ आइडेंटिटी आती है, फिफ्थ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को फ्रेंड्स किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डू नथिंग, कि कुछ नहीं किया। जैसे आपका, जैसे क्या हो गया,
कि मतलब कुछ नहीं किया, मतलब करते तो हैं बट मतलब ये आइडेंटिटी हर मॉलिक्यूल में होती है कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसमें उसको 360 डिग्री के रोटेशन पर अब मैं रोटेट कर देता हूं तो वही मॉलिक्यूल मुझे मिल जाएगा, यानी हमें नहीं पता लगेगा कि मॉलिक्यूल रोटेट हुआ है बट फ्रेंड्स एक्चुअली में हुआ है। तो इसलिए फ्रेंड्स क्या होता है, इसका नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑलवेज कंसिडर किया जाता है वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे क्या होता है MCN क्या हो गया, MCN का क्या हो गया, जैसे कोई भी हुआ, जैसे सपोज मान लो कि आपका जैसे फ्रेंड्स मैंने 2C2 लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, 1C2 का मतलब हो गया 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो बार मैंने C2 करी है तो दो बार C2 करने से 360 मतलब वही मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गई आइडेंटिटी की, मतलब पता ना लगे कि मॉलिक्यूल रोटेट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यही सेम कंडीशन 3C3 मतलब 120 डिग्री का रोटेशन तीन बार किया है तो वो भी 360 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 4C4। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो क्या है, मतलब कहने का मतलब अगर सिग्मा इवन है तो सिग्मा इवन का क्या मतलब हो गया, एक बार प्लेन डाला फिर दूसरी बार प्लेन डाल दिया मतलब वही चीज रोट है, मतलब वही चीज आ गई, तो ये क्या होगा आइडेंटिटी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या हो सकता है सिग्मा टू भी आइडेंटिटी होगा, अब क्या होगा σ4 भी आइडेंटिटी होगा। कहने का मतलब है अगर सिग्मा है कोई भी प्लेन है अगर वो इवन है, जैसे सिग्मा हो गया, σ2 हो गया, σ4 हो गया, तो इस केस में आइडेंटिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर क्या, हमने यहाँ पर सारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ ली शुरू में, मतलब स्टार्टिंग करी थी हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर आपका इन्वर्जन सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर लास्ट में पढ़ा हमने आइडेंटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आपके एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब क्या मैंने आपको क्या बताया कि कलेक्शन ऑफ ऑल दिस सिमेट्री इज नोन एज ग्रुप, पॉइंट ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट ग्रुप। तो पॉइंट ग्रुप भी बहुत टाइप के होते हैं तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉइंट ग्रुप में सबसे पहले पॉइंट ग्रुप आता है सीएनएच पॉइंट ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स, सीएनएच पॉइंट ग्रुप आता है, एन की वैल्यू किससे स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6। तो एच का मतलब हो गया, अब यहां पर अगर एच आ रहा है तो इसका मतलब पक्की बात है इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, एंड सीएनएच का फॉर्मूला होता है सीएन प्लस परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीएन प्लस सिग्मा एच इसका फॉर्मूला हो गया। और नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होते हैं फ्रेंड्स, मैंने सीएन में आपको बताया कि 2n नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंसीडर किए जाते हैं, तो इसके इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2n हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका फॉर्मूला हो गया सीएनएच पॉइंट ग्रुप का सीएन प्लस एन सिग्मा एच, इसमें C2, C3, C4 कुछ भी हो सकती है और एक प्लेन होगा जो कि हॉरी उसके परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, मैंने आपको ये पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन। जैसे मैं कंसिडर करता हूँ C2H मैंने लिया, कोई मॉलिक्यूल लिया उसमें C2H पॉइंट ग्रुप है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से मॉलिक्यूल में होती है C2H। C2H में क्या हो गया फ्रेंड्स, 2N पॉइंट ग्रुप, इसका नंबर ऑफ ऑपरेशन 2N हो गई, तो क्या हो गया इसका पॉइंट, आपका नंबर ऑफ ऑपरेशंस 4 आ गए। तो आप देखते हैं 4 कैसे होते हैं, तो C2H में क्या होगा फ्रेंड्स, C2 होगा प्लस सिग्मा H होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आइडेंटिटी होगी प्लस डैश, आइडेंटिटी हर मॉलिक्यूल में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम प्लस डैश लगाया, आप देखो डैश का मतलब क्या है, अब अगर मैं इसका कंसिडर करता हूँ नंबर ऑफ ऑपरेशन देखता हूँ, C2 में कितना होता है फ्रेंड्स, N-1 होता है, तो ये क्या हो गया 1, प्लेन का 1 होता है तो 1+1=2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 1+1 प्लस आइडेंटिटी का मैंने अभी बताया आपको 1 होता है, तो कितने आगे 1+1+1 तो ये आगे 3, तो अब आने तो 4 चाहिए। अब देखते हैं क्या हो रहा है, अब देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करते हैं आपका, क्या करते हैं SN ऑपरेशंस, इसमें SN ऑपरेशंस काउंट हो, मतलब कहने का मतलब ये है C2H पॉइंट ग्रुप में कुछ ना कुछ और ऑपरेशन होगा, मतलब कोई और सिमेट्री होगी, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, वो देखेंगे अभी। अब C3H का देखते हैं फिलहाल, अब तो C3H का क्या होगा फ्रेंड्स, इसका नंबर ऑफ ऑपरेशन 2N मतलब 6 आने चाहिए, तो अगर मैं C3H की बात करता हूं तो C3 प्लस सिग्मा एच प्लस आइडेंटिटी प्लस डैश। अब क्या करते हैं अगर फॉर CNH पॉइंट ग्रुप के लिए क्या करते हैं, SN काउंट करते हैं, अगर N है ऑड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये N ऑड है, ठीक है, तब क्या करते हैं, अगर N ऑड है तो SN काउंट करते हैं, और N इवन है, अगर N ऑड है तो SN लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपका N इवन है तो क्या करेंगे, N लिखेंगे जब तक उसके ऑपरेशंस पूरे नहीं होते, N(n/2, n/4). ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पर N ऑड है, अब क्या है, N क्या है, इवन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इवन लिखने के लिए क्या करेंगे, N लिखेंगे, फिर अगर N से नहीं हो रहा है ऑपरेशंस पूरे तो फिर (n/2) करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका N क्या होगा, 2 आ गया, तो ये क्या हो गया S2। अब हमें पता है S2 का ऑपरेशंस
करने के लिए क्या हो गया, अगर एस एन 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 अगर इवन है तो एन बाई टू करते हैं, तो इसका क्या आ गया, वन ऑपरेशन आ गया, मतलब वन ऑर्डर आ गया, वन ऑपरेशन आ गया। तो अब अगर टोटल करते हैं वन प्लस वन प्लस वन, तो कितने हो गए ऑपरेशन, फोर, मतलब ये करेक्ट है, अब करेक्ट है ये स्ट्रक्चर। अब देखिए फ्रेंड्स, फॉर सी एन एच के अब क्या हो गया, एन इवन एन ऑड हो गया, तो एन अगर ऑड हो गया तो क्या करते हैं एस एन लेते हैं टोटल, तो ये क्या हो गया एस थ्री लूंगा, तो एस थ्री के लिए करता हूं तो सी थ्री का क्या हो गया एन माइनस वन टू हो गया ऑपरेशन, प्लस सिग्मा एच प्लेन का वन, प्लस आइडेंटिटी का वन, ठीक है फ्रेंड्स। और एस एन मतलब ये एन ऑड है तो एन माइनस वन करते हैं, इसका नंबर ऑफ ऑर्डर मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, तो दो प्लस एक तीन चार पांच, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स दो तीन चार और दो छह, ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो ये सिक्स ऑपरेशन आ गए। तो ये पॉइंट ग्रुप हमने पहला पॉइंट ग्रुप पढ़ा सी एन एच, अब इसके थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है H2O2, तो फ्रेंड्स क्या होता है H2O2 का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लोन पेयर हो गए, ठीक। तो अब देखिए अगर मैं इसको देखता हूं कि अगर मेरा H2O2 है, तो फ्रेंड्स अगर मैं C2 ऐसे डालता हूं तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे डालता हूं तो ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, मतलब ऐसे C2 नहीं डाल, तो इसमें कौन सी C2 डाल रही है सामने से, मतलब एबो दी प्लेन एबो दी बोर्ड। तो ये अगर मैं ऐसे C2 डालता हूं, इसको मैं 180 डिग्री घुमा देता हूं, ये OH कूद के यहां आ जाएंगे और ये OH इधर चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें C2 होगी, अब देखते हैं प्लेन, अब देखते हैं ये जो पैरेलल हो गया ये सिग्मा भी डल रहा है नहीं डल रहा है, तो ये कौन सा प्लेन डल रहा है, ये वाला प्लेन, तो ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कौन सा प्लेन हो गया सिग्मा एच हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या हो गया सी एन एच मतलब C2H पॉइंट ग्रुप हो गया, मतलब C2 प्लस परपेंडिकुलर प्लेन जो कि सिग्मा एच है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका दूसरा एग्जाम्पल N2F2, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया है CNH पॉइंट ग्रुप, अब सेकंड वाला आता है CNV पॉइंट ग्रुप, ठीक है फ्रेंड्स। तो CNV का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है CN प्लस N सिग्मा V, कि जितने नंबर ऑफ CN हो गए तो उतने ही N सिग्मा V हो जाएगा, उतने ही नंबर ऑफ N सिग्मा V हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑपरेशन के लिए वही CN का मैंने बताया था 2N ऑपरेशन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे C2V हो गया तो उसमें कितने हो जाएंगे, फोर ऑपरेशन हो जाएंगे, तो C2V का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, C2 प्लस 2 सिग्मा V प्लस आइडेंटिटी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसके ऑपरेशन काउंट करते हैं तो CN है तो N माइनस वन यानी वन ऑपरेशन, यानी वन प्लस टू प्लस वन, ठीक है आइडेंटिटी का वन, तो कितना हो जाएगा फोर, तो फ्रेंड्स इसका सही आ रहा है। तो C2V एक बात ध्यान दे दिया, अगर किसी में C2V है तो उसमें नो SN, कोई SN नहीं होगी, कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे H2O का एक कॉमन सा एग्जांपल है, अब ये H2 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने यहां से मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री डालता हूँ C2, तो यहां से मैंने डाला ये इधर एक्सचेंज हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला हो गया, अब इसमें कौन सा प्लेन आएगा, ये इसके पैरेलल है तो ये सिग्मा भी हो जाएगा, एक ये प्लेन हो जाएगा और एक ये वाला प्लेन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा C2 प्लस 2 सिग्मा भी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही SF4 इसका एग्जाम्पल है और CLF3 इसका एग्जाम्पल है CNV पॉइंट ग्रुप के, और NSF3 इसके एग्जांपल है, ठीक है फ्रेंड्स। एक NSF3 का एग्जांपल समझ लेते हैं, वो गेट में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि NSF3 का आपका क्या बताओ पॉइंट ग्रुप बताओ, तो NSF3 को अगर मैं लिखता हूं तो ये कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा फ्रेंड्स NSF3, ओके फ्रेंड्स, ये और ये आपका। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें, अगर मैं ये टेट्राहेड्रल की तरह कंसिडर करते हैं, तो ये मैं यहां से डालता हूं, ठीक है फ्रेंड्स, यहां से मैं क्या डालता हूँ C3 डालता हूँ, एक C3 यहां से करा, और ये अगर एक ट्राइंगल की तरह कंसीडर करते हैं तो ये तीनों F आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया 1C3 होगी फ्रेंड्स, ठीक है। अगर 1C3 है तो 3 सिग्मा V होगी ही होगी, पक्की बात है। तो क्या होता है तब देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये C3 हो गया, अब क्या होता है इसके परपेंडिकुलर प्लेन बना, मतलब ये आपका C3 हो गया, तो एक सिग्मा यू जाएगी, एक सिग्मा ऐसे, एक सिग्मा भी ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा इसमें सिग्मा 1C3 प्लस 3 सिग्मा बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा C3B, ओके फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने CNH पॉइंट ग्रुप पढ़ लिया, अब CNV पॉइंट ग्रुप पढ़ लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला पॉइंट ग्रुप पढ़ते हैं DNH पॉइंट ग्रुप, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो DNH पॉइंट ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, CN प्लस NC2 प्लस N सिग्मा बी प्लस सिग्मा एच प्लस आइडेंटिटी प्लस SN, सॉरी प्लस आइडेंटिटी, ठीक है फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि CN प्लस N सिग्मा V प्लस NC2 प्लस
एन सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच प्लस आइडेंटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीएनएच पॉइंट ग्रुप में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं 4n, तो डीएनएच पॉइंट ग्रुप में नंबर ऑफ ऑपरेशन ये आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं कि 4n आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं D2H का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं नेप्थिलीन का एग्जांपल लेता हूं तो उसमें D2H पॉइंट ग्रुप होता है, तो उसके ऑपरेशंस कितने आ जाएंगे, 8 ऑपरेशंस आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, C2 प्लस 2C2 प्लस 2 सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच प्लस आइडेंटिटी प्लस S2। तो जो चीज हमने यहां पर ली है, जो चीज हमने आपका CNH में ली है, वो ही सेम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर n इवन है तो क्या करेंगे, Sn लेंगे कॉमा Sn/2 लेंगे, Sn/4। अगर s, अगर ये n आपका ऑड है तो क्या लेंगे, Sn ले लेंगे केवल डायरेक्ट। तो देखते हैं अगर 8 करना है तो C2 का कितना हो जाएगा, n-1 1 हो जाएगा, प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 6 7 और आपका 8। तो ये n/2 करेंगे Sn में तो 8 आ गया। अब क्या होता है, इसका एग्जांपल लेते हैं नेफ्थलीन। ठीक है फ्रेंड्स, नेफ्थलीन कुछ इस टाइप से बनेगी। तो अब देखते हैं इसमें कितनी C2 है। तो फ्रेंड्स पहली C2 ये रही, ये ऐसे बदल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी C2 ये रही और तीसरी C2 ये रही सामने वाली। तो कितनी होगी, तो कौन सी C2 ये है, ये डिफरेंट है यानी डिस्टिंक्ट C2 है। तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक ये C2 और एक ये C2, तो ये एक आपका ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा, सिग्मा बी हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिग्मा बी हो गया, सिग्मा एच हो गया, आइडेंटिटी होगी और S2 भी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पॉइंट ग्रुप हो गए, मतलब 3-4 पॉइंट ग्रुप हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंडिंग आउट दी नंबर ऑफ ऑपरेशन इन SN। तो फ्रेंड्स जैसे हमने लास्ट टाइम करा था कि CN में हम इजिली बता सकते थे कि आपके n-1 होते हैं, बट SN में बताना बहुत मुश्किल होता है। तो मैथमेटिकली इसको प्रूफ किया जाता है कि SN में नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखते हैं। अगर n इवन हो तो मैंने आपको बता रखा है कि n/2 करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं S2 का एग्जांपल ले रहा हूं तो उसके लिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो S2 का मतलब हो गया आपका रोटेशन प्लस परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। तो 1C2 होगा, 180 डिग्री का आपकी एक्सिस डालूंगा प्लस क्या करूंगा, परपेंडिकुलर प्लेन। तो 1C2 प्लस सिग्मा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1S2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं S4 का एग्जांपल लेता हूं तो S4 में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, n/2 होगा, मतलब 2n2 ऑन नंबर ऑफ ऑपरेशंस आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका कैसे, मतलब S4 में कैसे डाल सकता हूँ, 1C4 डाल सकता हूँ प्लस सिग्मा डाल सकता हूँ, सिग्मा एच। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1C4 प्लस सिग्मा डाला तो ये क्या हो जाएगा, 1S4 हो जाएगा। तो मुझे S4 में बताने की नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2 हैं तो कौन कौन से होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1C4 प्लस सिग्मा इक्वल्स टू 1S4, तो ये यानी एक ही वाला आ गया। अब अगर मैं दूसरा करता हूं कि मैं दूसरी बार डालता हूं 2C4 प्लस सिग्मा 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो, जब ये दो बार हुआ तो ये भी दो बार होगा। अब आपको पता है अगर सिग्मा की पावर इवन होता है तो आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 2C4 क्या हो जाएगा, 1C2 हो जाएगा। ये 90 डिग्री को, कि मैंने जो 90 डिग्री का रोटेशन किया वो दो बार किया है, तो दो बार का मतलब 1C2 हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस आइडेंटिटी, तो ये 1C2। तो इसका जो रिजल्टेंट आया वो S4 नहीं आया, तो ये वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड वाला करता हूं कि मैं 3C4 डालता हूं, 1C4 एक बार प्लस 2 प्लस 3C4, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा की पावर इवन ऑड हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ऑड होती है तो सिग्मा ही आती है उसकी वैल्यू, तो 3C4 को क्या लिख सकते हैं, 3C4 प्लस सिग्मा। तो 3C4 प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा, आपका 3S4 हो जाएगा, यानी ये दूसरा ऑपरेशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और ऑपरेशन आता है 4C4 की, मतलब 90 डिग्री को, वही वाला जो आइडेंटिटी वाला होता है, 4C4 इंटू सिग्मा की पावर फिर इवन आ गया। सिग्मा की पावर इवन क्या होता है फ्रेंड्स, आइडेंटिटी होता है, तो ये खुद आइडेंटिटी होगी। मैंने आपको बताया NCN इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो फ्रेंड्स यहां से ये कंक्लूजन निकला कि S4 में कौन कौन सा आपका ऑपरेशन होगा, तो 1S4 होगा और 3S4 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो ऑपरेशन ऐसे मैथमेटिकली निकाले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।